राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब हमने पेशेंट को मेडिसिन देनी है, ड्रग देनी है, कि उसके राइट्स क्या क्या हैं। तो मेनली 10 राइट्स हैं इसके। फर्स्ट है राइट ड्रग। राइट ड्रग मतलब जो भी हमने मेडिसिन देनी है वो सही होनी चाहिए। और सेकंड है राइट पेशेंट, कि पेशेंट जिस पेशेंट को ड्रग देनी है वो देखना है कि वो पेशेंट सही है, कहीं दूसरा पेशेंट तो नहीं है। तो पेशेंट को चेक करेंगे हम उसके पेशेंट का नाम लेके, दूसरा पेशेंट को चार्ट चेक करेंगे, और तीसरा हम पेशेंट का टैग चेक करेंगे जिससे हमें राइट पेशेंट पता चले। थर्ड है राइट डोज। डोज जो देनी है, अगर वो मिलीग्राम में है या ML में है, मिलीलीटर में है, तो वो देखना है हमने। जो डोज है वो राइट होनी चाहिए, सही डोज होनी चाहिए। फोर्थ है राइट रूट, कि कौन से रूट से हमने मेडिसिन देनी है, ओरल रूट है या इंजेक्शन है, IM इंजेक्शन है या IV इंजेक्शन है, या इंट्राडर्मल है या सबकुटेनियस है या सबलिंगुअल है, कौन सा रूट है। तो वो रूट हमने चेक करके तो सही रूट से मेडिसिन देनी है, राइट रूट। देन राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, कि उसका जो टाइम है मेडिसिन देने का, वो टाइम जो है वो सही होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने देर के बाद हमने देनी है वो मेडिसिन, 6 घंटे के बाद देनी है, 8 घंटे के बाद देनी है, 12 घंटे के बाद देनी है, वो फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है, वो राइट होनी चाहिए। देन डॉक्यूमेंटेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि जो भी मेडिसिन देनी है, जो भी ड्रग देनी है पेशेंट को, उसके बाद हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है। राइट डॉक्यूमेंट मतलब जो लिखना है हमने, साइन करने हैं उस पर, और उसमें लिखना है कि कौन सी मेडिसिन दी, कौन से पेशेंट को दी, कौन से रूट से दी, वो सही डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद है राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट, कि पेशेंट की हिस्ट्री चेक करनी है कि पेशेंट की ये जो मेडिसिन चल रही है ये कब से चल रही है, और असेसमेंट चेक करनी है, पेशेंट को असेस करना है कि पेशेंट की कोई मेडिसिन के कारण कोई एलर्जी है या कोई साइड इफ़ेक्ट है या कोई और इफ़ेक्ट है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट है, वो असेस करना है। देन राइट ड्रग अप्रोच एंड राइट टू रिफ्यूज़, जो अप्रोच है पेशेंट की वो राइट होनी चाहिए, और पेशेंट जो है कौन कौन सी मेडिसिन को, कौन कौन सी ड्रग को रिफ्यूज़ कर सकता है, राइट टू रिफ्यूज़ का उसका राइट होता है, तो वो नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है पेशेंट रिफ्यूज़ कर सकता है। देन राइट ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन एंड इवेल्युएशन, कि अगर एक से ज़्यादा हम उसको मेडिसिन्स दे रहे हैं, एक से ज़्यादा ड्रग दे रहे हैं, कि उसकी इंट्रैक्शन के बारे में, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और उसकी इवेल्युएशन राइट होनी चाहिए। और उसके बाद है राइट एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, तो पेशेंट को जो एजुकेशन देनी है ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, वो राइट एजुकेशन होनी चाहिए और राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हैं 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट असेसमेंट, राइट ड्रग अप्रोच, राइट इवेल्युएशन, राइट एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।